Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to third lecture of the course Software Quality Engineering. As you are aware that we are in the first part of the course where we are discussing and talking about the basics and we are having an overview of what software quality engineering is. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of previous lecture. We discussed different expectations of different people. There are certain expectations of people regarding a product. And if those expectations are met, if that particular product performs the behavior, then we say that this is a quality product. आपने अगर किसी product की quality को check करना हो, so आप ये चीज check करते हैं कि वो product अगर अपने desired functions perform कर रही है और जो उसे expected है, वो अगर perform कर रही है, this is an indication that the quality is there. अगर उससे expected behavior perform नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि उसमें quality नहीं है. जैसा कि एक example के तौर पर हम consider करते हैं, आपने एक नया smartphone खरीदा, market में एक नया smartphone आया और वो touch screen है, जिस पे आप internet की browsing भी कर सकते हैं, जिस पे आप video streaming भी कर सकते हैं, जिस पर आप मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं. अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसकी टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिव हो. जब आप क्लिक करें, जब आप टच करें किसी आइकन पर, तो वो आइकन फौरन ओपन हो. आपकी दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो प्रोडक्ट, ये स्मार्टफोन आपको सफिशेंट बैटरी टाइम दे. इसी तरह एक तीसरी एक्सपेक्टेशन इस स्मार्टफोन से आपकी ये हो सकती है कि आप उस पर अगर वीडियो चैट स्काइप के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहते हैं, सो आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग विदाउट एनी इंटरप्ट हो, विदाउट एनी डिलेज हो, वो जारी रहे. अगर तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये स्मार्टफोन पूरा कर रहा है, जो आप डिजायर्ड फंक्शन और परफॉर्मेंस उससे चाहते हैं, अगर तो वो मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्मार्टफोन क्वालिटी वाला स्मार्टफोन है. और अगर आप उससे जो बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, या उस पर ब्राउजिंग बहुत स्लो हो रही है, या उसकी बैटरी जो है वो 3 घंटे बाद डेड हो जाती है, सो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये बेकार क्वालिटी का स्मार्टफोन है, या इस स्मार्टफोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और आप अपने किसी दूसरे दोस्त को इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करते हैं. सो बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर के साथ भी है. अगर वो सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, जो उसे डिजायर्ड है वो अचीव हो रहा है, सो हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है. सो हमारे पास दो किस्म के लोग हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की हम जब बात करते हैं. एक हमारे पास इंटरनल लोग हैं जिनको हम कंज्यूमर भी कहते हैं, और एक हमारे पास एक्सटर्नल लोग हैं जिसको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं. पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में देखा कि प्रोड्यूसर एक सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है, और कंज्यूमर मैं, आप, एक एंड यूजर, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला, हम एंड यूजर हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को कंज्यूम करेंगे. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करें, सो इंटरनल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं जिनको कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं, और कुछ एक्सपेक्टेशन एक्सटर्नल हैं जिनको प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं. इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीक में देखा. और जो मेनली इंटरनल एक्सपेक्टेशंस थी वो ये था कि आपका सॉफ्टवेयर स्पीडी हो, आपका सॉफ्टवेयर जो डिजायर्ड फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करे, ठीक है. ये वो चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर या एंड यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर से. इसके मुकाबले में एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं?
एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस प्रोड्यूसर के हवाले से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के हवाले से, वो क्या देखता है कि क्वालिटी क्या है? वो ये देखता है कि अगर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, वो ये देखता है कि अगर सॉफ्टवेयर वक्त पे बन जाए तो इसमें क्वालिटी है, अगर सॉफ्टवेयर बजट में विद इन बजट डेवलप हो जाए तो उसमें क्वालिटी है, ठीक है, या अगर उसमें जो एंड यूज़र है वो इसको खुशी से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, एग्रीड हो जाए, सो हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर की या इंजीनियर की एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस मीट हो गई हैं और सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है। सो मुख्तलिफ लोग क्वालिटी को मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी की हमने डिफरेंट, क्वालिटी इंजीनियरिंग SQE की हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ पढ़ी और हमने एक फिगर के थ्रू डिस्कस किया कि आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। एक है आपकी, सबसे पहले आपकी टेस्टिंग परफॉर्म होती है। एक्चुअली टेस्टिंग परफॉर्म करना ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपके सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है या नहीं है। और टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये स्पेसिफिकेशंस मीट कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मीट कर रहा है। अगर तो मीट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी है। इसके अलावा कुछ हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस के अल्टरनेटिव्स हैं एंड दीज एक्टिविटीज़ दे एंड अप विद द सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स एंड देन SQE की एग्जाम्पल मैं ऐसे लेकर आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं BCS में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स सुपरवाइज कर रहा हूँ। सो मैंने अपने स्टूडेंट्स को टास्क असाइन कर दिए कि हाँ जी आपने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट डेवलप करनी है फ्लानिंग कंपनी के लिए, या आपने जो है वो ये स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनानी है, या आपने मुख्तलिफ किस्म के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को असाइन करता हूँ। अब डेवलपमेंट जो है वो एक साल तक चलेगी, वो अपने 7 सेमेस्टर से लेकर और 8 सेमेस्टर के लास्ट तक डेवलपमेंट करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंटली एवरी आफ्टर कपल ऑफ मंथ बुलाता हूँ और उनसे मैं चेक करता हूँ कि हाँ जी बताएं आपने क्या डेवलपमेंट की है, ठीक है। सो वो अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट बताते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं और फिर मैं टेस्ट करता हूँ कि क्या जो फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन, उस वेबसाइट से रिक्वायर्ड थी, अगर तो वो मीट हो रही है तो मैं कहता हूँ ठीक है आप सही काम कर रहे हैं, इसमें मज़ीद काम करते जाएं। अगर तो जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी थी वो अचीव नहीं हो रही तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने एक बेकार सॉफ्टवेयर बनाया है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही मीट नहीं हो रही। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, आज स्लाइटली उसको रिवाइज करते हुए अपने टॉपिक का, अपने आज के लेक्चर का हम आगाज करेंगे। हियर आर द आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर। वी विल ब्रीफली टॉक अबाउट द क्वालिटी फ्रेमवर्क एंड दैट इज ISO 9126, एक स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए ये क्वालिटी फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ISO के अलावा हमारे पास कुछ और क्वालिटी फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज़ करते हुए, जिनको एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इंजीनियरिंग ला सकते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर देयर विल बी डिफेक्ट्स, देयर विल बी एरर्स, देयर विल बी अदर बग्स। सो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके सॉफ्टवेयर में करेक्टनेस हो, इसमें डिफेक्ट्स रिमूव हो और ये क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर हो, आज के लेक्चर में इस चीज़ को भी डिटेल में देखेंगे। और क्वालिटी को हम एज अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, मतलब ये क्वालिटी कोई आज का या कल का या 5-10 साल पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि क्वालिटी को हम बड़े डिकेड से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब भी बात करते हैं हम उसमें क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करते हैं। और लास्टली हम ये देखेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आ जाता है तो उसको कैसा रोका जाए, या क्या ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार किया जाए कि डिफेक्ट बिल्कुल आने ही ना पाए। सो प्रिवेंशन, ठीक है। सो दीज आर ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर। लेट अस हैव अ लुक ऑन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर। सो द ऑब्जेक्टिव्स आर टू डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी इंजीनियरिंग। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड बी एबल टू
present different standards that are available for quality engineering, and hopefully you would be able to understand and distinguish between correctness, defect and quality, and detection, prevention and removal. ठीक है, so defect आ जाए, ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हैं? Defect को पहले तो आने ही ना दें, आने ना देने को हम कहते हैं prevent करना, ठीक है, और अगर वो defect आ गया है, so आप उसको detect करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं detection, और अगर वो correct होता है, तो उसको आप correctness apply करते हैं, और अगर वो defect correct नहीं हो पा रहा, तो उसको आप remove करते हैं, so these are also the objectives of today's lecture. जी, first of all, let's briefly review that is, we have got a quality framework, and that is ISO 9126. This is the standard which has been presented by or developed by the International Standard Organization. ISO 9126 ये कहता है कि आपके software में तब quality होगी जबकि उसमें ये features हों. क्या features हों? वो functionality provide करे, वो reliable हो, उसकी usability हो, उसकी उसमें efficiency हो, उसमें maintainability का phenomena हो, और lastly वो portable हो. अगर तो ये aspects किसी software में पाई जाती हैं, इसका मतलब ये है कि ये software quality वाला है. अब तक हमने जो बात की, हम सिर्फ functionality के हिसाब से देख रहे थे कि अगर तो वो desired function वो software perform कर रहा है, तो फिर उसमें quality है. लेकिन ISO 9126 quality framework ये कहता है कि functionality को achieve करना, ये तो definitely software से expected है, software तो mandatorily perform करेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और aspects ऐसे हैं, कुछ और features या characteristics ऐसी हैं, जिनको आप ensure करेंगे कि ये आपके software में मौजूद हो, और अगर ये characteristics reliability, usability, efficiency, maintainability और portability, अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं, so we then say that this software is a quality software. ISO 9126 के quality framework के अलावा हमारे पास कुछ other frameworks भी हैं. अच्छा, ISO 9126 का जो standard है, उसको मुख्तलिफ companies ने adopt किया है, और मुख्तलिफ companies ने अपने हिसाब से उसको customize किया है. ठीक है, अब हमने पिछली स्लाइड में एक फीचर पढ़ा, दैट इज पोर्टेबिलिटी. ठीक है, अगर तो उसमें पोर्टेबिलिटी है फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर, सो दैट इज आल्सो अ फैक्टर दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्वालिटी, बट नॉट ऑल दी सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइंड फॉर पोर्टेबिलिटी. आपके सारे सॉफ्टवेयर्स पोर्टेबिलिटी के लिए नहीं बनते. ठीक है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना लिया है, ठीक है, सो यस यू वुड वांट, आप चाहेंगे कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज 98 पर भी चले, वो विंडोज एक्सपी पर भी चले, वो विंडोज 7 पर भी चले, और फॉर एग्जांपल विंडोज 10 पर भी चले. ठीक है, लेकिन बास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें आप पोर्टेबिलिटी आपका पर्पस नहीं होती, आप नहीं चाहते कि वो सॉफ्टवेयर पोर्टेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके स्मार्टफोन्स लेते हैं जिसमें आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल नहीं है, ठीक है, या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल की डिवाइसेस में है वो पोर्टेबल नहीं है. ठीक है, आप एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS को किसी एंड्रॉयड की डिवाइस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, और इसी तरह एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी और डिवाइस पर जो है वो इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते. अब इस पर्टिकुलर केस में पोर्टेबिलिटी नहीं है, पोर्टेबिलिटी, तो क्या हम ये कहेंगे कि एंड्रॉयड में क्वालिटी नहीं है या iOS में क्वालिटी नहीं है? जी नहीं, बल्कि कहने का मतलब यह है कि ISO 9126 ने कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स दे दिए हैं, कुछ बेंचमार्क बना दिया है. आपकी कोशिश ये होती है कि इन सारे फीचर्स को एड्रेस करें, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट में पोर्टेबिलिटी नहीं है, सो यू कैन सिंपली एक्सक्लूड दी पोर्टेबिलिटी, एंड दिस इज द रीजन कि ISO 9126 को कस्टमाइज किया है, IBM ने कस्टमाइज किया है. ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिटी फ्रेमवर्क को कस्टमाइज किया है, और इसके बाद जो उन्होंने इस स्टैंडर्ड को कस्टमाइज करके जो नाम दिया है, उसकी एब्रीविएशन लिखी हुई है CUP RIMDSO कप रिम्सो. ठीक है, सो ये IBM के कस्टमाइज्ड क्वालिटी फ्रेमवर्क की एब्रीविएशन है, और इसी तरह
IBM ने जो अदर एस्पेक्ट्स उसमें डाली हैं वो रिलायबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, सिक्योरिटी फॉर वेब है. अब अगर हम जेनेरिकली देखें, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा यहां पे सिक्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि IBM के हिसाब से IBM की रिक्वायरमेंट थी कि उसमें सिक्योरिटी फॉर वेब होना चाहिए, सो दे अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड द ISO 9126 स्टैंडर्ड एंड दे पुट सिक्योरिटी फीचर इन इट. एंड दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी फीचर इज अनदर कस्टमाइज्ड कंपोनेंट दैट हैव बीन एडेड बाय द IBM टू इंश्योर क्वालिटी. सो ये तो ISO की हम बात की हमने, और ISO को जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है उसकी बात की. इसके अलावा कुछ और क्वालिटी फ्रेमवर्क्स भी हैं, कुछ और मेगा मॉडल्स भी हैं, जैसे कि मैकॉल, जैसे कि बेसिली, जैसे कि सी और CMM, जैसे कि ड्रॉमी, जैसे कि डिफेक्ट बेस्ड व्यू, ठीक है. सो ये सारे अदर क्वालिटी फ्रेमवर्क्स हैं. सो आप इनमें से किसी क्वालिटी फ्रेमवर्क को बेंचमार्क के तौर पर यूज कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो ये चीजें होंगी, ये किसी स्टैंडर्ड को आप फॉलो करेंगे, किसी बेंचमार्क को सामने रखेंगे, सो तभी आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है या डेवलप किया जा रहा है, इट हैज गॉट क्वालिटी इन इट. अब अगर हम सिंपली मैकॉल की एग्जांपल लें, ठीक है, सो मैकॉल के मैकॉल क्वालिटी फ्रेमवर्क में डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और डिफरेंट मेट्रिक्स हैं, ठीक है. अगर वो फैक्टर्स किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद है, अगर वो क्राइटेरिया मौजूद कर है और अगर उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है वो अचीव हो रही है, दिस मीन्स दैट मैकॉल कहता है कि उस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है. इसी तरह बेसिली है, इसी तरह ड्रॉमी है. सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्ड मौजूद हैं, कोई जनरलाइज्ड या कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता जो कि हर किस्म के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई हो. यस, कुछ सर्टन फीचर्स हो सकते हैं जो कि यूनिवर्सली मोर लेस हर किस्म के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई होंगे, ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ हर एक पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, हर किस्म के सॉफ्टवेयर से एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है. एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप अगर किसी वेबसाइट की बात करें, वेब सॉफ्टवेयर की बात करें, सो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि क्लिक करने पर सर्टन रिकॉर्ड्स ओपन हो, रिट्रीव हो, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी है. या अगर कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने कोई क्यूरी की है या क्यूरी करना चाह रहे हैं, सो यू वुड एक्सपेक्ट दी एफिशिएंसी. आप इस तरीके से एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप चाहेंगे कि जब आपने वो कमांड दी या जब क्यूरी दी तो फौरन रिजल्ट्स रिट्रीव हो, ठीक है. सो इसी तरह सिक्योरिटी एक ऐसा फीचर है जो कि कॉमन है और हर मोर लेस हर किस्म के सॉफ्टवेयर में वो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन चंद फीचर्स, चंद करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पोर्टेबिलिटी, जिसकी हमने अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल देखी है. अच्छा जी, मजीद बात करते हैं करेक्टनेस, डिफेक्ट और क्वालिटी पर. याद रखिए, एक सॉफ्टवेयर में अगर एक सॉफ्टवेयर की अगर क्वालिटी हाई है, इसका मतलब है कि उसमें डिफेक्ट्स की परसेंटेज बहुत कम होगी, उसमें डिफेक्ट्स बहुत लो लेवल के होंगे या बहुत लो डिफेक्ट्स होंगे. इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने स्मार्टफोन में आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको बार बार वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मसला कर रहा है, ठीक है, कभी उसका क्लिक काम नहीं कर रहा, कभी वो बैटरी की लाइफ अच्छी दे रहा है, कभी अच्छी नहीं दे रहा, कभी आपके पेजेस ओपन हो रहे हैं, कभी एप्लीकेशन इजीली डाउनलोड हो जाती है, कभी आपका जो स्मार्टफोन है वो हैंग हो जाता है, ठीक है, सो फिर क्या होगा, अगर डिफेक्ट्स उसमें बढ़ गए हैं, डिफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब है कि क्वालिटी कम हो गई, ठीक है. सो ये वाइस वर्सा है, क्वालिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब ये है कि डिफेक्ट्स उसमें कम है, और अगर डिफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब है कि क्वालिटी उसमें कम होती जा रही है. सो ये वाइस वर्सा है. सो हाई क्वालिटी आप तभी इंश्योर कर सकते हैं जबकि उसमें डिफेक्ट्स को आप बहुत मिनिमाइज कर लें, और डिफेक्ट्स को आप कंप्लीटली नहीं, सो एटलीस्ट आप उसको जितना पॉसिबल हो मिनिमाइज कर सकते हैं. अच्छा, क्वालिटी का प्रॉब्लम देखें और डिफेक्ट इम्पैक्ट देखें, सो ये भी एक और एस्पेक्ट हो सकती है. सो अगर
किसी डिफेक्ट की वजह से उसके नॉक ऑन इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब डिफेक्ट भी छोटा डिफेक्ट भी हो सकता है और बहुत ज्यादा डिफेक्ट, बहुत बड़ा डिफेक्ट भी हो सकता है। आपने एक डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, आप कहते हैं कि उसमें एक डिफेक्ट है कि उसमें आप क्यूरी पे टाइम लगता है, क्यूरी पे, क्यूरी जब भी आप करते हैं उसमें टाइम लगता है, रिकॉर्ड रिट्रीव होने में टाइम लगता है। अब बाहर देखने में ये डिफेक्ट एक छोटा है, इसमें रिजल्ट आ जाते हैं लेकिन स्लो आते हैं या डिले के साथ आते हैं। अब बाहर ये डिफेक्ट छोटा है, लेकिन अगर इसको आप बिगर सिनेरियो में देखें, बिगर पिक्चर में देखें, तो इसके नॉक ऑन इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। और वो ऐसे कि लेट से इस क्यूरी ने वेरीफाई करना था कि आपके अकाउंट में सफिशेंट पैसे हैं ताकि आप शॉपिंग कर सकें या नहीं। अगर इतना टाइम ही उसने वो अकाउंट को वैलिडेट करने में लगा दिया, आपका जो एंड पे जो कस्टमर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो अपने ऑर्डर को या कैंसिल कर देगा या वेब पेज एक्सपायर हो जाएगा और ये जो है चीज़ यूज़ नहीं हो सकेगी। ठीक है, इसके बाज़ुकात डिफेक्ट का प्रॉब्लम छोटा सा है, बाज़ुकात डिफेक्ट का इम्पैक्ट छोटा है, बाज़ुकात डिफेक्ट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। छोटा डिफेक्ट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आपने कोई इमेज मेन पेज पे आपने रखा हुआ है। ठीक है, वो इमेज का लेट से कलर जो है वो फेड हो जाता है जब आप उसको डिस्प्ले करते हैं, या वो इमेज जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता, या इमेज जिस लोकेशन पे आप रखना चाह रहे हैं वहां से मिसप्लेस हो जाता है। अब ये स्लाइट डिफेक्ट है, ये छोटा डिफेक्ट है, इसके अगर नॉक ऑन इफेक्ट देखे जाएं तो इसके नॉक ऑन इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन जैसा प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि बाज डिफेक्ट बाहर देखने में छोटे हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। ये चीज वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, कि क्वालिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, जितनी ज्यादा डिफेक्ट का इम्पैक्ट होगा उतना ज्यादा क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे अगर डिफेक्ट्स के इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएंगे, मतलब हेयर आर दी प्रॉब्लम्स इन क्वालिटी इफ द इम्पैक्ट इज हाई, इफ द इम्पैक्ट इज हाई द क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर हाई, इफ द इम्पैक्ट इज हाई द क्वालिटी प्रॉब्लम आर हाई। ठीक है, आपने इस चीज को जरूर जहन में रखकर अपने सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग करनी होती है। अच्छा जी, डिफेक्ट की हम बात करें, डिफेक्ट एक्चुअली है क्या या बग क्या चीज़ है? हम अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से ये बात करते हैं कि भाई बग क्या है या डिफेक्ट क्या है, तो इसको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन किया है। लेट अस हैव अ लुक के क्या चीज़ डिफेक्ट है या क्या चीज़ बग है। ब्रॉडली स्पीकिंग फेलियर, ठीक है, कोई भी बिहेवियर एक्सपेक्टेड था और वो बिहेवियर परफॉर्म नहीं हुआ तो आप कहते हैं कि ये फेलियर है। ठीक है, कोई बिहेवियर एक्सपेक्टेड था, चाहे वो इंटरनल बिहेवियर था या एक्सटर्नल बिहेवियर था, या वो परफॉर्म नहीं और उसके बजाय कुछ और अगर परफॉर्म हो गया है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई इसमें बग है या इसमें फेलियर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में 10 रिकॉर्ड्स का सम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसने 10 रिकॉर्ड का सम देने के बजाय 10 रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, या उसने 10 रिकॉर्ड की परसेंटेज आपको 10 रिकॉर्ड्स की सम अप करने के बजाय परसेंटेज निकाल दी। ठीक है, डेविएशन हो गई फ्रॉम एक्सपेक्टेड बिहेवियर। अगर जो आप करना चाह रहे थे वो परफॉर्म नहीं हुआ, उसके बजाय कुछ और परफॉर्म हो गया, इसका मतलब है कि ये फेलियर है। ठीक है, इसमें बग है, इसमें फॉल्ट है विच नीड्स टू बी करेक्टेड। फेलियर, फॉल्ट, एरर, डिफेक्ट, बग, ये मोर लेस सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, मजीद अगर देखा जाए तो एक्सप्लिसिटली फेलियर की क्या डेफिनेशन है, डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड बिहेवियर अगर होगा तो हम कहते हैं कि ये फेलियर है। फॉल्ट क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कॉज फॉर फेलियर्स। ठीक है, आप सम अप करना चाह रहे थे, ठीक है, और वो परसेंटेज क्यों दे रहा है, ठीक है, तो उसमें फॉल्ट था। फॉल्ट ये साबित हुआ जनाब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बजाय इसके कि सम का फॉर्मूला लगाता, कोडिंग में सम का फॉर्मूला वो लिखता, उसने उसने जो है वो मल्टीप्लीकेशन या परसेंटेज का फॉर्मूला उसने लगा दिया।
सो फॉल्ट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही है. एरर क्या होता है यूजली? एरर इनकरेक्ट या मिसिंग ह्यूमन एक्शन है. ठीक है, एरर क्या है? इनकरेक्ट या मिसिंग ह्यूमन एक्शन है. अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेबसाइट पर एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपने उसमें अपना फॉर्म में है प्लीज गिव योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड योर ईमेल एड्रेस. ठीक है, अब अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बजाय आप जो है कोई इंटीजर, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर कर देते हैं, ठीक है, सो ये मिसिंग ह्यूमन एक्शन है. यू वर नॉट सपोज टू प्रोवाइड द इंटीजर डेटा इन द फील्ड ऑफ नेम, बट दिस मिसिंग ह्यूमन एक्शन इज एक्चुअली एन एरर. सो ह्यूमंस आर सपोज टू मेक एरर्स. आपका सॉफ्टवेयर उन एरर्स को कैसे डील करता है? क्या कोई एरर मैसेज आता है या नहीं आता? फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस में हमें पता है कि कोई भी ईमेल एड्रेस अगर आप लिखेंगे तो उसमें एट द रेट जरूर आएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल समवन, एग्जाम्पल एट द रेट समवन डॉट कॉम एक ईमेल एड्रेस है, ठीक है, अब अगर उस फॉर्म में ये चेक ही नहीं है कि ईमेल की फील्ड में एट द रेट का साइन है या नहीं है, ठीक है, दिस मीन्स दिस इज मिसिंग ह्यूमन एक्शन एंड योर सॉफ्टवेयर और योर वेबसाइट और योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैज नॉट आइडेंटिफाइड दिस एरर. ठीक है, सो दिस नीड्स टू बी एड्रेस. सो एरर का सोर्स भी आप देखते हैं और यूजली जो है ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं, जिसने मैंने बात की कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह आप अगर डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं या ईमेल एड्रेस की जगह, ईमेल एड्रेस की फील्ड में आप प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल एड्रेस अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे, सो ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है. मतलब ये हम नहीं कह रहे कि जो है वो पीछे से डाटा बेस से डाटा रिट्रीव नहीं होगा या वगैरह वगैरह, लेकिन दीज आर ह्यूमन मिसिंग ह्यूमन एक्शंस. अच्छा जी, इसके बाद है डिफेक्ट. डिफेक्ट ओवरऑल इन सारी चीजों को बताता है. डिफेक्ट एरर भी हो सकता है, डिफेक्ट फॉल्ट भी हो सकती है, डिफेक्ट एक फेलियर भी हो सकता है. ठीक है, तो इन सब चीजों को आप डिफेक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो या तो आप एक्सप्लिसिटली कहें, अगर तो आप कहते हैं कि फॉल्ट है मेरे सॉफ्टवेयर में, फॉल्ट है या इस प्रोग्राम में फॉल्ट है, इसका मतलब यह है कि कोई इंटरनल एरर है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि कुछ ट्रबल कॉज कर रहा है. ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर में फेलियर है, ठीक है, दिस मीन्स दैट इट इज नॉट गिविंग यू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, इट इज नॉट गिविंग, इट इज नॉट मीटिंग योर एक्सपेक्टेशन. और एरर भी हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर में एरर भी हो सकता है, अगर उसने आपको वार्न नहीं किया कि भाई आप नेम की जगह पे आप कोई इंटीजर नहीं, नेम की फील्ड में कोई इंटीजर नहीं डाल सकते, दिस मीन्स एरर है. सो डिफेक्ट इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है. इसके अलावा बग की हम बात करते हैं. बग क्या है? ठीक है, बग क्या है? प्रॉब्लमैटिक टर्म है. बग भी एक, मतलब आम अल्फाज में उसको बग कहा जाता है. जिस तरह डिफेक्ट एक जेनेरिक टर्म है, ठीक है, इस तरह बग भी एक जेनेरिक टर्म है जो कि एरर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, फॉल्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है और फेलियर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है. और जब हम बग की बात करते हैं तो हम अक्सर एक टर्म यूज करते हैं, स्पेशली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप कहते हैं कि भाई डिबग करो, प्रोग्राम डिबग करो. डिबग का मतलब यह कि अवॉइड करो जो एरर्स तुम्हारे प्रोग्राम को रन होने से या एग्जीक्यूट होने से रोक रहे हैं. सो यू एक्चुअली ट्राई टू अवॉइड दी एरर्स, यू एक्चुअली ट्राई टू अवॉइड दी प्रॉब्लम्स, सो दिस मीन्स दैट यू आर डीबगिंग. आइए मजीद बात करते हैं करेक्टनेस, डिफेक्ट और क्वालिटी पर. इस फिगर को आप गौर से देखिए, इसमें तीन चीजें बताई जा रही हैं. सबसे पहले है आपके लेफ्ट पर इनपुट टू सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप क्या चीज इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और यू सी दैट देयर आर डिफरेंट एरर्स विच कैन बी, विच कुड बी ह्यूमन मिस एक्शन जो कि उस सॉफ्टवेयर पर हो सकते हैं. लेट से E1 हो सकता है, E2 हो सकता है. लेट से नेम की जगह आप डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, ये एक एरर है, ठीक है. ईमेल एड्रेस में आप एट द रेट का साइन यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब ये एक एरर है. सो देयर कुड बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स, ठीक है, सो विच यू कैन और विच द एंड यूजर कैन फीड इन टू द सॉफ्टवेयर. ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, ह्यूमन मिस्टेकनली या मिसकॉन्सेप्चुअली
या मिस एक्शन के तौर पर एरर्स जो है वो उस सॉफ्टवेयर में डाल सकता है। अब होगा क्या, होगा ये कि उन एरर्स की वजह से सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आएगी, ठीक है, जो बीच वाला आपका एक रेक्टेंगुलर शो कर रहा है वो सॉफ्टवेयर की फॉल्ट को शो करेगा। सो अगर आप लेजेंड देखें, सो सर्टन एरर्स कॉज सर्टन कंडीशन, जैसा नीचे लेजेंड में भी लिखा हुआ है, ए कॉजेस बी, अगर एक सर्कल से दूसरे सर्कल पर एरो है सो ये उसके इफेक्ट्स बता रहा है। अगर आप सॉफ्टवेयर में या एंड यूजर उस सॉफ्टवेयर में कोई एरर डालता है, सो एरर की वजह से क्या होगा, एक और कंडीशन मीट होगी, एक और फॉल्ट मीट होगी, ठीक है, और उस फॉल्ट की वजह से एंड पर मजीद फेलियर्स जो है वो होंगे। सो आप रिलेशन देखें कि लेफ्ट मोस्ट पर आपका इनपुट टू द सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि एक एमीबा शेप की एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एंड यूजर सॉफ्टवेयर को इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। अब देयर आर चांसेस के वो रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड करे एंड यूजर या एरर कंटेंड इनपुट प्रोवाइड करे। अब अगर एरर कंटेंड इनपुट प्रोवाइड कर दी और अगर आपने उसको वार्न न किया, आपके सॉफ्टवेयर ने उसको आगे जाने दिया, ईमेल एड्रेस को अगर आपने चेक न किया और फॉर्म में सेव कर लिया, ठीक है, सो क्या होगा, सॉफ्टवेयर में एक फॉल्ट आएगी, सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आएगी। लेट से कल को आप उस ईमेल पर कोई ईमेल एड्रेस पर कोई ईमेल भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, सो वो ईमेल रॉन्ग एड्रेस पे चली जाएगी या वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। सो आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली एंड यूजर को या उस कस्टमर को ईमेल करके कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, कुछ बताना था, लेकिन चूंकि शुरू में आपने उससे एरर वाली इनपुट ले ली, ठीक है, उसका इफेक्ट ये हुआ कि सिस्टम में एक फॉल्ट आ गई और जब यूजर या एंड यूजर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ईमेल रिसीव होगी, वो ईमेल इसको रिसीव नहीं हुई। जब ईमेल इसको रिसीव नहीं हुई, ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आई विल रिसीव एन ईमेल, एंड इफ ही डिड नॉट रिसीव एन ईमेल, दिस मीन्स दिस इज द फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, दिस इज द फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड इफ देर आर फेलियर इन द सॉफ्टवेयर, दिस मीन्स दैट देर इज नो क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अवॉइड एरर्स, यू नीड टू मेक श्योर दैट देर आर नो एरर्स इन द प्रोग्राम। सो एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। लेट से एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने कोई ऑनलाइन बुकिंग करनी है, लेट से किसी होटल को, होटल की आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है, सो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है और आप उसमें फ्यूचर डेट बताते हैं कि भाई मुझे दिसंबर जो नेक्स्ट मंथ है या नेक्स्ट ईयर की या जो है वो कोई भी कमिंग मंथ है उसकी सेकेंड वीक की मुझे मंडे से लेकर और वेनसडे तक की मुझे वन रूम की बुकिंग करनी है, ठीक है। अब ये जब इनपुट आप ले रहे हैं और अगर आपने, अगर एंड यूजर ने रॉन्ग इनपुट दे दी, ठीक है, उसने बजाय इसके कि कमिंग कोई मंथ सेलेक्ट करता, ठीक है, उसने प्रीवियस कोई मंथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, प्रीवियस मंथ तो गुजर चुके, आप किसी प्रीवियस मंथ की कैसे बुकिंग कर सकते हैं, या बजाय इसके कि फ्यूचर वाली कोई डेट वो सेलेक्ट करता, आपने उसको चेक ही नहीं किया और उसने कोई प्रीवियस जो डेट गुजर चुकी है वो सेलेक्ट की, तो आप उसकी एडवांस बुकिंग कैसे करेंगे, ठीक है, और आपके सॉफ्टवेयर ने उसको चेक नहीं किया, उस एरर को जो है वो एड्रेस नहीं किया। सो इस एरोनियस इनपुट की वजह से आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में फॉल्ट आएंगे, सॉफ्टवेयर सिस्टम में अगर फॉल्ट आते हैं सो दैट रिजल्ट इन द फेलियर, दैट रिजल्ट इन द लो यूजेज, यूजेज कम हो जाएगी, और यूजेज कम हो जाएगी सो इसका मतलब है कि ये फेलियर्स आ रहा है। आपने देखा है कि ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ढेर सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं फॉर जिनको आप यूज करना छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एरर्स होते हैं, एरर्स रिजल्ट इन द फॉल्ट्स, एंड फॉल्ट्स अल्टीमेटली एंड अप विद लो यूजेज और स्टॉप्ड यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ले, आपके ढेर सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि आपके प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर पड़ी हैं, जिनको आपने डाउनलोड किया और फिर डिलीट कर दिया, क्यों, क्योंकि उनमें एरर्स थे एंड एरर्स लेड टुवर्ड्स द फॉल्ट्स, एंड इफ देयर आर मेनी फॉल्ट्स इन द सिस्टम यू विल स्टॉप यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप
वो एप्लीकेशन जो बिहेवियर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो परफॉर्म नहीं करी, आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, आपने उसको यूज करना ही छोड़ दिया। सो ये बहुत जरूरी है कि आप शुरू में ही बिल्कुल इनपुट जहां से आप ले रहे हैं एंड यूजर से या किसी भी और तरीके से आप इनपुट ले रहे हैं वहीं पर ही आप उसको स्टॉप करें, वहीं पर ही एरर्स को चेक करें, बिकॉज एरर्स जो है वो अल्टीमेटली प्रोपोगेट हो रहे हैं। मे बी एरोनियस इनपुट आपको इंस्टेंटली कोई नुकसान ना दे, लेकिन इसके नॉक ऑन इफेक्ट्स किसी सॉफ्टवेयर पर 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद तक भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये स्लाइड आपको समझा देता हूं और होपफुली उसके बाद आपका ये फिनोमेना क्लियर हो जाएगा। लेट से आप सी यू ऑनलाइन पर या जो आपका वी कॉमसेट्स का जो LMS सिस्टम है इस पे आप इनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, और आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो आप सबसे पहले अपना नेम देते हैं, फिर अपना एड्रेस देते हैं, फिर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप फोन नंबर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद लेट से आप ईमेल एड्रेस देते हैं। फोन नंबर में लेट से अगर आपका वर्चुअल कॉमसेट का LMS सिस्टम आपसे रॉन्ग इनपुट एक्सेप्ट कर लेता है, आपने रॉन्ग इनपुट दी, लेट से आपने पाकिस्तान के बजाय आपने कोई और कंट्री कोड लगा के आपने नंबर दे दिया, ठीक है, और या वो एरर जान के था या अनजाने में था, वो आपने एरोनियस इनपुट उस फॉर्म में दे के फॉर्म सेव कर लिया। ठीक है, अब आपसे फोन नंबर इसलिए मांगा गया था कि कल को वी कॉमसेट्स लेट से कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ जाती है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, तो वो आपको कॉल करके बताएं। ठीक है, कोई वेरी इंस्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि अगर ईमेल पे भेजा जाए तो ईमेल पे लेट से डिले आ सकते हैं और आपको इंस्टेंटली बताना था। ठीक है, तो वो कॉल करके आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, लेट से आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो गया है। ठीक है, अब कल आपका पेपर होना था, एग्जाम सेंटर जो है वो एक नई लोकेशन पर मूव हो गया है। अब जरूरी नहीं है हमें से, नॉट नेसेसरी हर कोई ईमेल चेक करे, सो ईमेल तो वो भेज ही देंगे, लेकिन वी कॉमसेट्स आपको फौरन कॉल करके बताना चाहेगा कि भाई आपका एग्जाम सेंटर चेंज है। तो अगर आपने रॉन्ग मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया था और वो रॉन्ग मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आपसे LMS ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि उस एरर की वजह से सिस्टम में फॉल्ट आ गया और जब वो नंबर यूज करना रिक्वायर्ड था, जब आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है तो मुझे पता चले, वो कॉल नहीं आई, इसका मतलब है ये है कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर परफॉर्म नहीं हुआ और यूजेज वो ये LMS अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप जो बिहेवियर, मतलब आप कल को पुरानी जगह पर जाते हैं और एग्जाम में अपीयर होते, एग्जाम सेंटर में आप जाते हैं, वहां पर पता चलता है कि हाँ जी आपका एग्जाम सेंटर तो चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे फोन करके बताया जाता। ठीक है, सो फोन तो आपको किया गया लेकिन वो चूंकि नंबर रॉन्ग था तो उस रॉन्ग नंबर फर्स्ट डे जो आप रजिस्टर कर रहे थे वो एरर प्रोपोगेट होते 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 आपने देखा कि उसने इट एंडेड अप विथ सो मच ट्रबल। सो हियर यू कैन सी दैट इफ देयर आर एरर्स, द एरर्स रिजल्ट इन फॉल्ट्स एंड द फॉल्ट रिजल्ट इन द लो यूजेज और स्टॉप्ड यूजेज और फेलियर्स ऑफ द सिस्टम, सो पीपल विल स्टॉप यूजिंग योर सिस्टम। ठीक है, इस चीज को जहन में रखें कि ऐसी ढेर सारी सिस्टम्स, ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स, ऐसी ढेर सारी एप्लीकेशंस स्मार्टफोन के लिए या बाकी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन लोग उसको इस्तेमाल करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो उससे डिजायर्ड फंक्शनैलिटी है वही परफॉर्म नहीं हो रही, सो आप अल्टीमेटली उसको डिलीट कर देते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट इट एड्रेसेस ऑल द एरर्स, ऑल टाइप ऑफ नोन एरर्स ड्यूरिंग द इनपुट प्रोसेस। अगर आपने यहीं पर एरर्स को रोक दिया, ठीक है, लेट्स से अगर LMS की एग्जांपल लें, सो आपका फॉर्म उस वक्त कंप्लीट हो जबकि आपके फोन नंबर पे, जो फोन नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर एक टेक्स्ट आए, ठीक है, और टेक्स्ट में लेट से कोई कोड दिया गया और वो कोड अगर आप वापस फॉर्म पे लगाते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि यस, जो नंबर आप प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड किया है, वो एग्जिस्ट करता है। सो आपने देखा कि ठीक मोबाइल नंबर के प्रोवाइड करने से आपके बाकी के डिफरेंट फेजेस जो है वो कैसे स्मूथली रन हो सकते हैं, उसका अल्टीमेटली यूजेज बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसमें क्वालिटी आ जाएगी।
अच्छा जी, मजीद बात करते हैं क्वालिटी इन सॉफ्टवेयर, क्वालिटी डिफाइनिंग क्वालिटी इन एसक्यूई। हम पिछले एक दो लेक्चर से देख रहे हैं कि क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्वालिटी की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, क्वालिटी को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं। आइए इस स्लाइड में यही देखते हैं कि कस्टमर के हिसाब से क्या क्वालिटी है और कस्टमर के हिसाब से क्या चीज़ करेक्ट है और क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, हम डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से देखते हैं कि वो क्या समझता है कि क्या चीज़ करेक्ट है, क्या चीज़ फॉल्ट है और क्या चीज़ जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है। सो अगर इस पर्टिकुलर टेबल को आप गौर से देखें तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि व्यू, कस्टमर कैसे व्यू करता है या एक्सटर्नल व्यू क्या है और वो उसके ख्याल में करेक्टनेस क्या है। और दूसरा, आप देखते हैं कि डेवलपर के ख्याल से फॉल्ट क्या हो सकती है या करेक्टनेस के उसके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। सो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि एज लॉन्ग एज उस सॉफ्टवेयर में फेलियर्स नहीं है, वो सॉफ्टवेयर रिलायबल है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर सिक्योर है, ठीक है, सो कस्टमर समझता है कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है। ऑब्वियसली उसके जो डिजायर्ड फंक्शन है वो तो परफॉर्म होंगे, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो तो डेफिनेटली परफॉर्म होगा, लेकिन इसके अलावा क्या पैरामीटर्स हैं? अगर तो उसमें फेलियर्स नहीं है, अगर तो वो रिलायबल है, अगर तो वो सिक्योर टू यूज है, तो कस्टमर कहता है कि हाँ जी मेरे सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है या मेरे सॉफ्टवेयर में करेक्टनेस है, मेरे सॉफ्टवेयर में करेक्टनेस है। वो ये नहीं देख रहा कि डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा हो रहा है या डेटाबेस का साइज बहुत छोटा हो रहा है। ही इज नॉट, और द क्लाइंट और द एंड यूजर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द बैक एंड डिटेल्स, डेटाबेस का साइज, होस्टिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो डिजाइन इश्यूज हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दोज डिटेल्स। उसके ख्याल से, कस्टमर के ख्याल से या एंड यूजर के ख्याल से करेक्टनेस क्या है सॉफ्टवेयर में? करेक्टनेस ये है कि एज लॉन्ग एज देयर आर नो फेलियर्स, एज लॉन्ग एज देयर इज रिलायबिलिटी एंड एज लॉन्ग एज देयर इज सेफ्टी इन द सॉफ्टवेयर, दिस मीन्स दिस इज अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। और कुछ अदर एट्रीब्यूट्स भी वो एक्सपेक्ट कर सकता है, वो देख सकता है, जैसे कि मेंटेनेबिलिटी, रीडेबिलिटी, ठीक है, रीडेबिलिटी, ऑब्वियसली कुछ सॉफ्टवेयर उसमें फॉन्ट का साइज बहुत या बड़ा है या बहुत छोटा है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी जिसकी मैंने एग्जांपल दी, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में आप एफिशिएंसी के इश्यूज को जहन में ला सकते हैं। इसी तरह इंस्टॉलेबिलिटी, लेट्स से आपने एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया लेकिन जब कस्टमर या एंड यूजर उसको इंस्टॉल करना चाहता है तो उसमें इंस्टॉलेशन का तरीका ही इतना मुश्किल है, ठीक है, कि वो उसको प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये क्वालिटी का एक और पैरामीटर है जिसको एड्रेस नहीं किया गया उस सॉफ्टवेयर में। और इसी तरह लास्टली यूजेबिलिटी। सो ये सारी चीजें हैं जो कि कस्टमर देख रहा है, कस्टमर के हिसाब से करेक्टनेस क्या है और कस्टमर किन और चीजों को देखता है। अब बात करते हैं डेवलपर के हिसाब से, डेवलपर के हिसाब से क्या चीजें जो है वो करेक्टनेस में शामिल होती हैं और किन अदर एस्पेक्ट्स का वो ख्याल रखेगा। याद रखिए, डेवलपर इज नॉट इंटरेस्टेड के ये सॉफ्टवेयर जो है वो एंड यूजर इसको यूज करके खुश होगा या नहीं होगा, ठीक है, डेवलपर ये चाहता है कि भाई जो फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है वो फंक्शनैलिटी मीट होने में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रही, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि यूजर, एंड यूजर अपना फॉर्म सेव करना चाहता और वो फॉर्म सेव नहीं हो रहा, वो फॉर्म में लेंथी है, लेंथी नहीं है, उसका साइज, फॉन्ट साइज छोटा है, बड़ा है, वो इन डिटेल्स को क्वालिटी नहीं समझता, बल्कि वो ये देखता है कि भाई एक फॉर्म है, उसमें एंड यूजर अगर अपनी इनपुट फीड करता है, अगर वो फॉर्म सेव हो जाता है और लेटर ऑन जब रिक्वायर्ड है रिट्रीव हो जाता है, सो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वालिटी है, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें करेक्टनेस है, ठीक है, डेवलपर के हिसाब से उसमें करेक्टनेस है। अभी हमने पिछली स्लाइड में यही देखा कि अगर आप कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर एक्सटर्नल बिहेवियर को देखता है जो कि फेलियर्स से रिप्रेजेंट होता है, और डेवलपर चूंकि इंटरनल बिहेवियर को देखता है तो वो फॉल्ट से रिप्रेजेंट होता है,
ठीक है. सो फॉल्ट किस किस्म के हो सकते हैं, लेट से उसकी कोडिंग में कोई एरर्स आ गए हैं, कोई क्लासेस ठीक नहीं हुई, कोई डाटा स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं हुए, कोई काउंटिंग का फॉर्मूला या कोड या फंक्शन ठीक नहीं लिखा गया. सो उसके हिसाब से करेक्टनेस वो इन चीजों पर चेक करता है. अच्छा, डेवलपर इसके अलावा किन चीजों को देखता है कि क्या चीजें इसके अलावा हैं जो कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर में हेल्पफुल हो सकती हैं. वो ओवरऑल डिजाइन है, सॉफ्टवेयर का क्या डिजाइन है, ओवरऑल साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर है. ठीक है, जिस तरह आपका कस्टमर डेटाबेस का साइज जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल उसके मुखालिफ आपका डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेटाबेस का साइज जानने में बड़ा इंटरेस्टेड है. क्योंकि डेटाबेस जितनी भारी होती जाएगी, जितनी उसका साइज एक्सपेंड करता जाएगा, ठीक है, उतना ही उसमें लेट्स से रिट्रीवल के इश्यूज या परफॉर्मेंस के इश्यूज या उसकी ट्यूनिंग के इश्यूज आते रहेंगे. इसी तरह चेंज को वो देखता है, कॉम्प्लेक्सिटी को देखता है, प्रेजेंटेशन कंट्रोल को देखता है, डाटा किस फॉर्म में सेव हो रहा है, किस फॉर्म में रिट्रीव हो रहा है, वो इन चीजों को देखता है. सो कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर आपने क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करनी है, सो उसके कुछ व्यूज और एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, सो कस्टमर के हिसाब से करेक्टनेस क्या है, एज लॉन्ग एज उसमें फेलियर्स नहीं है, वो रिलायबल है, वो सेफ है, सो उसमें क्वालिटी का एक पैरामीटर या क्वालिटी के ये पैरामीटर्स आ गए. इसके अलावा अगर उसमें मेंटेनेबिलिटी, रीडेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस है, सो कस्टमर कहता है, कस्टमर के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला है. और डेवलपर के हिसाब से क्या है, एज लॉन्ग एज उसमें फॉल्ट नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग एरर्स नहीं है, कोई रॉन्ग कोड नहीं लिखा गया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का डिजाइन ठीक है, उसमें लेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी प्रेजेंटेशन है, उसका साइज जितना रिक्वायर्ड है वो है, सो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर ये कहता है कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी का है. ठीक है, सो बिल्कुल देखने का अंदाज है. ठीक है, दो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से चीजों को देखते हैं और अपने हिसाब से वो इवेल्यूएट करते हैं. इसकी एग्जाम्पल एक ऐसे भी देख सकता हूं कि लेट से एक दरख्त है, एक दरख्त को फॉर एग्जाम्पल मैं और आप देखेंगे, एक बड़ा दरख्त है, उसमें पत्ते छते हैं, उसकी शाखें निकली हुई हैं, सो मैं और आप देखेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दरख्त बड़ा छांव वाला दरख्त है और गर्मियों में इसके नीचे लोग बैठ के धूप से बच सकते हैं. अगर एक कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला उसी दरख्त को देखता है, तो वो इसको इस हिसाब से देखता है कि अच्छा, इसमें इतने मन लकड़ी है और इससे मैं अगर कुर्सियां बनाना चाहूं तो इतनी कुर्सियां बनती हैं, और इससे मैं अगर मेजें बनाना चाहूं तो इतनी मेजें बनेंगी. ठीक है, इसी दरख्त को अगर एक हकीम देखता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देखता है कि इसके पत्तों में फलानी मर्ज की शफा है, और इसके पत्तों के साथ अगर मैं फलानी दवाई मिला लूं तो इसको इस चीज की शफा मिल जाएगी. ठीक है, सो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं. और इसी तरह एक लेट से एक अल्लाह वाला बंदा है, ठीक है, वो उस दरख्त को देखता है तो वो कहता है कि उसको अल्लाह की कुदरत नजर आती है उसमें, कि क्या खूबसूरत पत्ते बने हुए हैं, कितना ऑर्गेनाइज्ड ट्री स्ट्रक्चर है, शाखें हैं, कैसे ये जमीन के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है. सो सेम दरख्त को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से देखा. आपका सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल इसी तरह है. सॉफ्टवेयर को देखने वाले दो किस्म के लोग हैं, कस्टमर और डेवलपर. कस्टमर के हिसाब से अपने क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, और डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से अपने क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं. सो इन दोनों के पैरामीटर्स एड्रेस होंगे तो ही उस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी आएगी. अच्छा जी, मजीद बात करते हैं क्वालिटी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. सॉफ्टवेयर को अगर देखा जाए या कंपेयर किया जाए किसी अदर प्रोडक्ट या सिस्टम के साथ, और अब तक हम एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कर रहे हैं, दे रहे हैं, और इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद अदर प्रोडक्ट या सिस्टम के साथ, सो जो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं वो है, सॉफ्टवेयर में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है. ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है. जिस रिकॉल करें फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर डेवलप और इंजीनियर किया जाता है, ठीक है, जबकि आपकी बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं. एक मेज बनानी है, मेज की मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपके पास पहले से लकड़ी होगी, मेखें होंगी, ठीक है, लकड़ी मखसूस साइजेस में कटी है, उसको जब आप कंबाइन करेंगे एक मेज बन गई. इसी प्रोसेस को आप अप्लाई करते रहें तो आपकी मेज
के बाद दूसरी मेज, उसके बाद तीसरी मेज, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सॉफ्टवेयर के साथ या आईटी के साथ कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है, चूंकि इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं है, चूंकि इसका कोई रॉ मटेरियल नहीं है, सो इसमें वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो इश्यूज आ सकते हैं वो नहीं है इसमें। या दूसरे अल्फाज में, अगर किसी प्रोडक्ट के फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से उसमें कोई डिफेक्ट आता है, वो सॉफ्टवेयर के साथ नहीं है। ठीक है, मेज की एग्जांपल लेते हैं, अगर मेज एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसके एट्रीब्यूट में फर्क यह है कि मेज का तख्ता जो है वो क्रैक हो गया है या मेज को जो है वो दीमक लग गई है, अब ये इसके फिजिकल एट्रीब्यूट में डिफेक्ट आ गया, अब फिजिकल एट्रीब्यूट में डिफेक्ट आने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मुतासर हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इसके बरक्स है, चूंकि सॉफ्टवेयर में एज सच कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं है, इसलिए उसमें फिजिकल डिफेक्ट्स नहीं आ सकते, चूंकि उसको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट्स नहीं आ सकते। सर्विसेज की बात करें, सो मैनेज एक्सपेक्टेशंस, अब चूंकि एक सॉफ्टवेयर में जीरो डिफेक्ट हैं, जीरो फिजिकल डिफेक्ट हैं, ठीक है, सो उसमें रिमूव करने की भी कोई जीरो डिफेक्शन आप यूज करेंगे, लाइक उसमें डिफेक्ट है ही नहीं तो आप क्या चीज रिमूव करेंगे। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में चूंकि फिजिकल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो फिजिकल डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए फिर आप तरीका अप्लाई करते हैं, दीमक के लिए कीड़ा दवाई यूज कर ली, या क्रैक को ठीक करने के लिए कोई ग्लू वगैरह यूज कर लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर में चूंकि फिजिकल एट्रीब्यूट्स ही उसके नहीं है, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें फिजिकल डिफेक्ट्स जीरो हैं, सो उसकी मेंटेबिलिटी या डिफेक्शन निकालें वो भी जीरो है। सो दिस इज हाउ आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट देन द फिजिकल प्रोडक्ट्स और द फिजिकल सिस्टम। अच्छा जी, इसके अलावा अगर देखें, सो द न्यू मीनिंग ऑफ क्वालिटी इन द इंफॉर्मेशन एज, जिसको पेरहैलड ने और कृष्ण ने 1999, ये दो ऑथर्स हैं जिन्होंने क्वालिटी को डिफाइन किया, नए मीनिंग्स ऑफ क्वालिटी डिफाइन किए हैं, वो कुछ ऐसे हैं, कन्फर्मेंस, कन्फर्म करना, इंश्योर करना कि ये डिजायर्ड फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, सो इसका मतलब ये है कि इसमें क्वालिटी है। इसी तरह एडॉप्टेबिलिटी, वो उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें क्वालिटी है। और तीसरा फैक्टर जो इन दो ऑथर्स ने ऐड किया है वो है इनोवेशन, नई चीज होना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, जैसा पहले भी एग्जांपल दी गई कि एक टेबल है, वो डिजायर्ड फंक्शन परफॉर्म करिए कि उस पर आप बैठ के लेट्स से काम कर सकें, कोई असाइनमेंट बैठ के आप उस पर सबमिट कर सकें, या अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रख सकें, इसका मतलब यह है कि कन्फर्म कर रही है, इट इज कन्फर्मेंस, इट इज गिविंग यू कन्फर्मेंस टू the objectives for which it is designed. दूसरा adaptability जरूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो आप let's say उसको किसी cold environment में लेकर आते हैं तो वो काम ना करे, या very hot environment में लेकर आते हैं तो वो काम ना करे, ठीक है। एक example के तौर पर गाड़ी का engine, ठीक है, गाड़ी का engine इस तरीके से बना हुआ है कि वो गाड़ी का engine सर्दियों में भी काम करता है, जबकि temperature let's say 4-5 डिग्रीज तक गिर जाता है, और वो शदीद गर्मियों में भी इंजन काम करता है, जैसे कि टेम्परेचर 45 डिग्रीज तक चला जाता है, सो अडॉप्ट कर लेता है वो उस एनवायरनमेंट को। सो अगर तो उसमें उस क्वालिटी का, अगर आपने किसी प्रोडक्ट में किसी चीज में क्वालिटी देखनी है, सो आप देखते हैं उसमें कन्फर्मेंस है, उसमें अडॉप्टेबिलिटी है, और अगर उसमें इनोवेशन है, सो दिस मीन्स दैट देयर इज क्वालिटी इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ट्रेडिशनल चीज क्या है, ट्रेडिशनल डिफिनेशन क्वालिटी की यह है कि सिर्फ कन्फर्मेंस ओनली है, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज गिविंग यू द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, गिविंग यू द डिजायर्ड फंक्शनैलिटीज, इट हैज गॉट क्वालिटी इन इट। मतलब ट्रेडिशनली या क्लासिकल वे में अगर क्वालिटी को डिफाइन किया जाए, तो वो अडॉप्टेबिलिटी या इनोवेशन या रिलायबिलिटी के एस्पेक्ट्स को नहीं देखते, वो सिर्फ कन्फर्मेंस को देखते हैं कि जिस स्पेसिफिकेशन के लिए वो प्रोडक्ट बनी है, अगर वो फुलफिल हो रही है, दिस मीन्स इट हैज गॉट क्वालिटी इन इट। और लास्टली डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफिसिटी, स्टेबिलिटी और इवॉल्वेबिलिटी, ये तीनों एक और भी एक नए एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी सॉफ्टवेयर, जो कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में ऐड हो सकते हैं, ठीक है।
अब आप एक जनरल पर्पस मेज टेबल नहीं बना सकते, एक ऐसी टेबल जो कि हर एक मकसद पूरा करे, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्लासरूम में पड़ी टेबल की रिक्वायरमेंट, उसका यूजेज, उसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है एक कॉन्फ्रेंस टेबल के मुकाबले में, या एक कॉन्फ्रेंस टेबल जो कि बड़ी सारी होती है और जिसके इर्द गिर्द लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, उसकी स्पेसिफिटी डिफरेंट है एक ऑफिस की टेबल के हिसाब से, जिसमें ड्रॉअर्स भी होंगे, जिसमें आप अपनी फाइल्स लॉक करके जाएंगे। सो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही होती है। इसी तरह स्टेबिलिटी है, इसी तरह इवॉल्वेबिलिटी है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें इवॉल्व होती हैं। जिस ना सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले विंडोज 95 आई, फिर विंडोज 98 आई, ठीक है, फिर विंडोज 2000 आई, एक्सपी आई, और लेटर ऑन, तो ये इवॉल्व होता जा रहा है। सो इसी तरह अगर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल दूं, तो आपकी फॉर एग्जाम्पल करोला कार है, करोला कार के मॉडल्स जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। 1965 में जो करोला कार का मॉडल था, ठीक है, 2015 के मुकाबले में वो टोटली डिफरेंट है। सो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। सो अगर उसमें इवॉल्वेबिलिटी है, उसमें स्टेबिलिटी है, उसमें स्पेसिफिसिटी है, सो ये दो ऑथर्स कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में या उस सिस्टम में क्वालिटी है। सो दीज पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और दीज पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स आर सम न्यू और एडिशनल क्वालिटी मैट्रिक्स दैट हैव बीन प्रोपोज बाय पैरा हैलड एंड क्रिशन इन 1999। अच्छा जी, क्वालिटी का अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फोर स्टेजेस हैं, ठीक है, फंक्शनल, स्केजुअल, कॉस्ट और रिलायबिलिटी। अगर तो ये चार चीजें हैं, मतलब 1990s तक ये देखा जा रहा था कि अगर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चार चीजें पाई जाती हैं, इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल क्या था कि फोकस ऑन ऑटोमेशन, चीजें ऑटोमेटिकली अगर हो रही हैं, एक सॉफ्टवेयर खुद से चीजों को परफॉर्म कर रहा है, सो दैट वॉज द फर्स्ट एट्रीब्यूट विच हेल्प्ड इन एस्टिमेटिंग दी क्वालिटी। सेकेंड, क्वालिटी का हिस्टोरिकल परस्पेक्ट क्या था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, वो ये था कि अगर वो टाइमली और ऑर्डरली प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें क्वालिटी है, ठीक है। सो जो एस्टिमेटेड टाइम था या जो टाइमलाइन थी, अगर उसके दौरान वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि क्वालिटी का एक और ऑब्जेक्टिव मीच हो गया। इसी तरह कॉस्ट, जो कॉस्ट या जो बजट स्पेसिफाइड था आपका, अगर सॉफ्टवेयर उस कॉस्ट और बजट में कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब यह है कि क्वालिटी का एक और मैट्रिक्स है जो कि एड्रेस हो गया है। और फोर्थ कंपोनेंट या फोर्थ स्टेज, रिलायबिलिटी, ठीक है, जो कि यह था कि अगर तो यूजर की एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं, सो इसका मतलब यह है कि उसमें क्वालिटी है। सो कहने का मतलब यह है कि यहां पे मजीद दो ऑथर्स, मूसा एंड एवरेट, ने 1990 में ये प्रपोज किया या ये डिफाइन किया कि भाई अगर आपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी चेक करनी है, ठीक है, सो अगर तो उसमें ये चार स्टेजेस मीट हो रहे हैं, ये चार स्टेजेस उसमें हैं, इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है उसमें वो क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी की जो डिफिनेशन है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की जो डिफिनेशंस हैं, वो 1990 से चलती आ रही हैं, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इवॉल्व होती गई हैं, ठीक है, वो स्टैंडराइज होती गई हैं, और मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज ने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है। अब यहां पे आप देखें, इन चार स्टेजेस में सिक्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, इसी तरह एडॉप्टिविटी का कोई जिक्र नहीं है, इसी तरह पोर्टेबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि एडॉप्टिविटी, पोर्टेबिलिटी, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि क्वालिटी नहीं है। सो इन 1990s, बाय 1990s ये रिक्वायरमेंट सफिशिएंट थी, और अगर ये रिक्वायरमेंट्स वो सॉफ्टवेयर पूरा कर रहा होता था, सो हम कहते थे कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सॉफ्टवेयर के हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट के बारे में मजीद हम इंशाल्लाह लेटर लेक्चर्स में भी देखेंगे, जिसमें प्रोसेस मेच्योरिटी आई, मेजरमेंट एंड फीडबैक आया। सो अगर हम अपनी बात को कंक्लूड करें,
सो वो ये होगा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या चीज है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या चीज है. सो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं. वी डू नॉट हैव अ सिंगल डेफिनेशन दैट कैन हेल्प अस इन डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, और देयर आर नो यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी होली सोली अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. सो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, लेकिन करेक्टनेस सेंटर्ड इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग. एज लॉन्ग एज उसमें करेक्टनेस है, और करेक्टनेस जेनेरिक टर्म है, करेक्टनेस किसी भी हिसाब से हो सकती है, यूजेज के हिसाब से हो सकती है, रिलायबिलिटी के हिसाब से हो सकती है, सिक्योरिटी के हिसाब से हो सकती है. तो एज लॉन्ग एज उस सॉफ्टवेयर में करेक्टनेस है, इसका मतलब यह है कि वो क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है. सो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, आइए मजीद बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की. सो क्वालिटी एश्योरेंस में हम यूजली देखते हैं डीलिंग विद डिफेक्ट, डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड डिफेक्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल. ठीक है, डिफेक्ट आएंगे, डिफेक्ट को आपने कैसे, पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि डिफेक्ट आप प्रिवेंट करें, डिफेक्ट आने ही ना दें. ठीक है, अगर तो डिफेक्ट आ गए, ठीक है, सो फिर आप क्या करते हैं कि डिटेक्ट करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफेक्ट आया कहां पर है. ठीक है, और जब डिफेक्ट आज आ गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उसको रिमूव करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अगर उसमें कोई इफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है, सो क्या होता है कि वो आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है. अब ये एक डिफेक्ट है. सो आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप एक एक्सेप्शन लिख लेते हैं कि भाई अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू जीरो से डिवाइड की जाए, डिवाइड यूजर डिवाइड करने की कोशिश करे तो उसको एरर दिया जाए. ठीक है, सो आपने इस डिफेक्ट को आने से पहले प्रिवेंट कर लिया, आपने डिविजन बाय जीरो को एंटरटेन ही नहीं किया, उसको आपने ब्लॉक कर दिया. ठीक है, और अगर लेट से प्रिवेंट नहीं किया था आपने, और आपने ये प्रोविजन नहीं रखी थी कि डिवाइड बाय जीरो को रोका जाए, सो क्या होगा कि अगर प्रोग्राम हॉल्ट हो गया तो अब आप डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये मसला आया कहां से है, ये किस चीज की वजह से ये मसला आया है. और जब लेटर ऑन यू रियलाइज कि भाई ये जो डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय इंफिनिटी हो रही है, इसलिए ये मसला आया, तो फिर आप उस एरर को, उस बग को फिर आप रिमूव कर देते हैं. ठीक है, सो क्वालिटी एश्योरेंस में जो है वो हम मेनली इन तीन चीजों को डील करते हैं, डिफेक्ट को डील करना, डिफेक्ट को कोशिश करना कि डिफेक्ट आए ही ना, और डिफेक्ट को डिटेक्ट करना और रिमूव करना, क्वालिटी एश्योरेंस. और मजीद इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स दी समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. हियर इज दी समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. In today's lecture, we briefly talked about the different standards for software quality engineering. We have explored that there are different standards available, for example, ISO 9126, and some other organizations, they have customized or adopted these standards and incorporated more features according to their requirements. Along with that, we briefly overviewed that what actually a fault is, what is an error, and what is a bug. More importantly, we have seen that if there are errors in the input, this will lead towards the faults in the system software, and this will result in the low usage or stopped usage of the system because it has got so much of failures. So errors result in faults, and fault end up with failures. So you avoid errors. If you avoid errors, you actually avoid system faults, and if you avoid system faults, you are actually avoiding system failures. Also, it is very important for quality assurance that you detect the defect
डिफेक्ट किस किस्म के हैं, डिफेक्ट आ सकते हैं, कोशिश आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में ये होनी चाहिए कि आप डिफेक्ट्स को आने ही ना दें, प्रिवेंट करें, लेकिन अगर डिफेक्ट आ गए हैं तो उसके बाद उसको आप डिटेक्ट करें, ठीक है, और अगर डिटेक्ट हो गए हैं उसके बाद आप उसको रिमूव करें। जिसकी छोटी सी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपके सिस्टम में वायरस के आ जाने की वजह से सिस्टम स्लो हो गया है, ठीक है। अब इस डिफेक्ट को आप प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि वायरस के आने का इंतजार करने से पहले आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस लगा दें, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने लगा लिया है, ठीक है, तो वो वायरसेस को आने ही नहीं देगा। लेकिन अगर वायरस आ गया है तो फिर आप उसको प्रिवेंट, आप उसको डिटेक्ट करते हैं कि किस पर्टिकुलर फाइल में आया या किस पर्टिकुलर फॉर्म में वो वायरस आया है, और जब आपको पता चल जाए कि भाई ये एक्जी फाइल है, ये पर्टिकुलर इमेज जो है ये वायरस है, ठीक है, एंटीवायरस चलाने के बाद आपने डिटेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करते हैं कि उसको रिमूव करते हैं, डिलीट कर दिया या किसी दूसरे तरीके से। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट टेस्टिंग ओवरव्यू, वी विल बी लुकिंग इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग ओवरव्यू ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, सेफ्टी एश्योरेंस, फॉर्मल मेथड एंड इंस्पेक्शन। सो वी विल ब्रीफली ओवरव्यू ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। I hope you enjoyed today's lecture. Inshallah, I'll see you with more details in our lecture number 4. Bye for now and Allah Hafiz.